हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एन बी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप हार श्रृंगार के पौधे को सीड से कैसे जर्मिनेट करके ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 5 हार श्रृंगार के सीड्स हैं, जो कि आजकल मार्च और अप्रैल के महीने में ये बहुत सारे हार श्रृंगार के पौधे के सीड्स निकलते हैं। तो मेरे पास ये 5 सीड्स हैं, आज हम इन्हीं को ही उगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले जो मीडियम ले रहे हैं वो फ्रेंड्स, दो टाइप के मैं मीडियम यूज़ करूँगा। एक तो मीडियम ये वाला, जिसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% रेत या बजरी है। और एक दूसरा मीडियम हम यूज़ करेंगे अलग से, वो है ये मूंगफली के छिलके का पाउडर, या फिर आप इसकी जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं अगर आपके पास वो है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको ये सीड्स जो हैं वो ले लेने हैं और इन सीड्स को ऐसे इस मीडियम के अंदर ऐसे रखने हैं। ऐसे रख के इसके ऊपर आपको थोड़ी सी ये वाला मिक्सचर, सैंड और रेत का मिक्स करके थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। और थोड़ा सा स्प्रेड करके आपको हल्का सा इसके अंदर पानी डाल देना है और इसको शेडी एरिया में, बट ब्राइट लाइट, नॉट डायरेक्ट लाइट बट ब्राइट लाइट में इसको फॉर अ वीक रखना है। तो ये फ्रेंड एक मीडियम ये रहा। दूसरा मीडियम हम फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं यही मूंगफली के छिलके का पाउडर, वो भी हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मूंगफली के छिलके के पाउडर को कैसे बनाना है उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देखिए। ये भी बहुत एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कोकोपीट का, जो कि आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू जर्मिनेट दी सीड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमने ले लिया है, इसको हम अच्छे से मॉइस्चर कर लेते हैं। देखिए नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है, दैट मीन्स सारा पानी इस मीडियम ने ले लिया है। अब हम इसको सीड को इसके अंदर यहां रखेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा सा मीडियम डाल के इसको थोड़ा सा दबा देंगे और फिर से थोड़ा सा ऊपर से वाटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, कोकोपीट या मूंगफली के छिलके का पाउडर थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है, तो आप इसमें पानी ज्यादा ना डालें। जब आपको दिखे कि टॉप लेयर ऊपर से ड्राई हो चुकी है, तभी आप इसके अंदर दूसरा वाटर का स्प्रे या वाटर ऐड करें। और जो दूसरा मीडियम है उसको आप, क्योंकि मैंने इसमें अर्दन पॉट लिया हुआ है तो ये मॉइस्चर कम रिटेन करेगा, बट अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये पोरस रहते हैं ये पॉट्स। इसमें आप एडिक्वेटली पानी डालते रहें जैसे ही आपको दिखे कि सॉइल ड्राई हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम दोनों ही मीडियम्स को, जैसे मैंने बताया कि आप थोड़े से ब्राइट लाइट बट नॉट इन डायरेक्ट लाइट, ब्राइट लाइट में आप रख दें। फ्रेंड्स, इसी मीडियम में जो मैंने अभी आपको बताया मिट्टी और रेत वाले मीडियम में, मैंने पहले यही हार श्रृंगार के जो सीड्स हैं ये ग्रो करे थे। फ्रेंड्स देखिए, ये जर्मिनेट हो चुके हैं, इसमें से ये वाला और ये वाला जो ये दो सीड्स हैं ये जर्मिनेट हुए हैं। ये मैंने राउंड अबाउट 2 वीक्स पहले जर्मिनेट करवाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे सही टाइम है मार्च और अप्रैल में आप अपने हार श्रृंगार के सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स ये वैसे ही बड़ा होता है, तो आपको जो हार श्रृंगार का पौधा है ये ऐसे
कुछ बड़ा होता हुआ दिखेगा, जो मेरे पास एक और पड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, हरसिंगार का पौधा इतने खुशबूदार फूल देता है जो कि आपके गार्डन को, आपके टेरेस गार्डन को बहुत ही अच्छा खुशबू से भर देगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक सच वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।